बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें सबसे पहले गाजर चाहिए। हमने तकरीबन आधा किलो 3 पाव ले लिए गाजर, और उसके अलावा हमें सबसे पहले चाहिए अपना छोटी इलायची और बादाम और किशमिश और नारियल और मक्खन हमने ले लिया है और दूध लिया है और चीनी है और हमारे पास ये पानी है। पानी हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर लिया है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे को जलाएंगे। चूल्हे को जलाने के बाद हम इसमें ये 1 से 1.5 लीटर पानी जो है वो ऐड करेंगे, ताकि ये पानी जब तक गर्म हो जाए तो फिर हम इसको गाजर को कैसे छिलते हैं ये हम आपको बताएंगे। गाजर को ये देखें इस तरह से छील लें, अच्छी तरह ये छील लें, ऐसे ऐसे छील के, और ये जो मुंह वाली साइड है इसको थोड़ा काट लें, क्योंकि ये थोड़ी कड़वी होती है, और ये जो है इसको भी निकाल लें, ऐसे छील लें। छीलने के बाद आप इसको वाश कर लें और इतने इतने से टुकड़े बना लें। इतने टुकड़े बनाने के बाद ये हम सारी जब तक काट लें फिर आपसे मिलते हैं। हमारा पानी जो है वो गर्म हो चुका है काफ़ी, और हमने गाजर को काट लिया है। ये देखें गाजर को हमने काट लिया है तो छोटे छोटे टुकड़ों में। अभी हम इसके अंदर गाजर डालेंगे। तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, जब तक ये गल जाए अच्छी तरह, फिर आपसे मिलेंगे। अब इसको थोड़ा हम ढक्कन देंगे। ढक्कन देने के बाद तकरीबन 40 मिनट 1 घंटा इसको पकाएंगे। जब हमारी गाजर जो है वो तकरीबन गल चुकी है, ये देखें ये गल चुकी है, तो अभी हम उतारेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे मक्खन। तकरीबन ये चाय के जो है वो तकरीबन 3 से 4 चम्मच वो डालेंगे देसी मक्खन। ये गाय का मक्खन है, और इसमें जो है हम इलायची ऐड करेंगे। हमने इसको तोड़ दिया है। थोड़ा सा ये जब तक तेल जो है वो गर्म हो जाए, थोड़ा सा लाल होने से ये इलायची जो है वो थोड़ी लाल हो जाए। और अभी हम जो है इसमें थोड़ा गाजर ऐड करेंगे। गाजर बिल्कुल देखेंगे गल चुकी है। हमने इसको कूट लिया है। कूटने के बाद जो है अभी हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तकरीबन 3 से 4 चम्मच चाय के। देख सकते हैं, और थोड़ी सी हम इसमें किशमिश ऐड करेंगे।
हलवा पिए तो हमारा जो है हलवा बहुत बनता है, अपने मार्केट से लिया होगा। अभी हम इसमें दूध ऐड करेंगे तकरीबन, ये देख लें, एक गिलास हमें इसमें ऐड करेंगे। इसको हिलाएंगे, जब तक ये दूध सूख नहीं जाता तब तक आप इसको उतार रहे हैं। अभी जो है उसके ऊपर ढक्कन देंगे। हमने जो दूध डाला था वो तकरीबन सूख चुका है और अच्छी तरह हमने इसको कूट दिया है। हलवा है वो रेडी हो चुका है, दूध देखें आप बिल्कुल सूख चुका है। अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। अभी हम इसको गार्निश करेंगे। सबसे पहले बादाम डालेंगे, और ये जो हमने नारियल लिया था वो उसके ऊपर डालेंगे। आप चाहें तो काजू भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बाहर ठेले वाले जो बेचते हैं रोड पे, सड़क पे आप गाजर का हलवा बना के बेच भी सकते हैं। उम्मीद करते हैं गाइस ये आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।